हेलो स्टूडेंट्स, कादंबरी ट्यूटोरियल आप सभी लोगों का एक बार दिल से स्वागत करता है। और मैं हूं आनंद सर और आपके लिए लेके आया हूं स्पीड मैथ कैलकुलेशन का ये वीडियो, जो डिवीजन थर्ड पार्ट में ही हमने फास्टेस्ट डिवीजन विद 9, है ना, फास्टेस्ट डिवीजन विद 9, क्योंकि हमने जो ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स को 9 का टेबल आने में थोड़ी दिक्कत आती है, 8 और 9 का टेबल कंफर्टेबल नहीं रहते। बट ये डिवीजन करते वक्त आपको कुछ सावधानियां रखना है और कुछ ट्रिक, बट ऑब्वियस ये ट्रिक है तो आपको थोड़ी सी सावधानियां रखनी ही पड़ती है। बट अगर आप इस मेथड को समझ लेते हो तो 9 का टेबल न आते हुए भी आपसे एडिशन करके कोई भी नंबर को डिवाइड करके आपका आंसर कुछ सेकेंड्स के अंदर भी ला सकती हो, राइट। और कुछ सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा है तो बहुत बड़ा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फोर्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन तक सॉल्व करने के बाद, पहले तो फोर्थ क्वेश्चन तक ही आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी, उसके बाद में फिफ्थ और सिक्स, सिक्स तक तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सेवंथ क्वेश्चन आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर जरूर डालें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा ट्रिक है वो है नाइन्थ के साथ में डिविजन किस तरह से करना है, फास्टेस्ट डिविजन विथ 9। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो यहां पे दिख रहा है आपको, 29। देखो 29 डिवाइड बाय 9, अगर मैं 29 को 9 से डिवाइड करता हूं तो क्या होता है, 29 1 9 2 9 3 27, यस, सो रिमाइंडर इज 2। यस, देखो ये क्या होता है, ये होता है डिविडेंट। हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, हमारा ये होता है डिविडेंट। ओके, ये क्या होता है हमारा, ये होता है डिवाइजर। ओके, और ये क्या होता है, ये होता है हमारा कोशेंट, और ये क्या होता है, ये होता है हमारा रिमाइंडर। ओके, ये होता है हमारा रिमाइंडर। अब इस ये हो गए ट्रेडिशनल मेथड, हम आगे बढ़ते हैं ये ट्रिक किस तरह से अप्लाई होती है। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही लेके चलेंगे। सो ये बहुत सिंपल है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे 29 डिवाइड बाय 9। ओके, अब देखो ये 29 हमने यहां पर लिख लिया 29, राइट, पहला नंबर एज इट इज, पहला नंबर एज इट इज 2। अब 2 का एडिशन करना है 9 के साथ और इसका एडिशन लिखना है, 9 प्लस 2 दैट इज 11, दैट इज 11। तो 11 तो हमारा रिमाइंडर हो नहीं सकता ना, तो ये हो जाएगा यहां पर ऐड हो जाएगा 1 और इसमें भी एक ऐड हो जाएगा। ओके, सो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। लेट सी, दिस इज आवर क्वेश्चन एंड दिस इज आवर रिमाइंडर, सो आंसर इज, जो भी आप लिख सकते हो यहां पर, क्वेश्चन इज 3 एंड रिमाइंडर इज 2। ओके, अगर आपको बहुत आसानी लग रही होगी तो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और आपके डाउट्स जो भी है वो क्लियर हो सकते हैं। चलो ठीक है, हमारे क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलते हैं। 50 76 डिवाइड बाय 9। चलो प्रेजेंटेशन कैसा होगा, हम लिखेंगे यहां पे 7 6, फर्स्ट नंबर एज इट इज, राइट, 7 प्लस 6 13। बट ऑब्वियस है, हम क्या करते हैं, इस नंबर का इस नंबर के साथ में एडिशन और इस नंबर का इस नंबर के साथ में एडिशन, तो दिस इज 8, दिस इज 4, सो दिस इज आवर क्वेश्चन, दिस इज आवर रिमाइंडर। क्लियर बेटा, चलो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं, बहुत आसान होने वाला है। ये क्या है, ये क्वेश्चन है 256 डिवाइड बाय 9। ओके, प्रेजेंटेशन इसी तरह से होता है, हम क्या करेंगे, हम करेंगे 256 को, तो फर्स्ट नंबर एज इट इज 5 प्लस 2 प्लस 5 दैट इज 7, 7 प्लस 6 13। यस, ओके, आगे बढ़ते हैं, ये एक इधर ऐड हो जाएगा, एक इधर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 8 4, सो दिस इज आवर क्वेश्चन, दिस इज आवर रिमाइंडर। ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, हम क्वेश्चन नंबर
फोर्थ की तरफ चलेंगे। देखो बहुत आसान होने वाला ये क्वेश्चन भी, अब तो आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। मैंने आपको कमिट किया था कि आपको फोर्थ तक ये ट्रिक समझ में आ ही जाएगी। तो ये हो जाएगा 798/9। तो हमारा प्रेजेंटेशन इसी तरह से होता है, हम नंबर को लिखेंगे, दैट इज 798 फर्स्ट नंबर एज इट इज 7+9 ये कितना होता है, ये होता है 16। बट ऑब्वियस है एक नंबर इधर ऐड, एक नंबर इधर ऐड हो जाएगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7। 7+8 यस वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। बट ऑब्वियस है एक ऐड इधर, एक एडिशन इधर, सो 8, 8, 5 राइट। सो दिस इज अवर क्वेश्चन, दिस इज अवर रिमाइंडर। ओके, अगर आपको जरा भी डाउट आ रहा है कि इतना आसानी से कैसा हो सकता है, तो टेक योर मोबाइल फोन, टेक योर कैलकुलेटर एंड कैलकुलेट इट। ओके, मैं गारंटी देता हूं आपका 101% आंसर सेम आने वाला है। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसान है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 फिफ्थ करेंगे। ओके, यहीं पे करते हो क्वेश्चन नंबर 5 राइट। चलो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। बहुत आसान है, डोंट वरी। ओके, 1, 3, 2, 5, 4, 2 बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे 1, 3, 2, 5, 4, 2 बढ़िया। फर्स्ट नंबर क्या होता है बेटा, फर्स्ट नंबर एज इट इज, तो ये हो जाएगा 2, 1+3 दैट इज 4, 4+2 दैट इज 6, 6+5 11। रुक जाओ, करते हैं एडिशन। ओके, सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 4, 7, 2 ओके, 2+4 वेरी गुड, 2+4, 6, 6+2, 8 सो दिस इज अवर क्वेश्चन एंड दिस इज अवर रिमाइंडर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बहुत आसान होने वाला ये क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 8, 0, 4/9 राइट, ये प्रेजेंटेशन होता है। हम लिखेंगे 8, 0, 4 ओके, फर्स्ट नंबर एज इट इज वेरी गुड, 8+0 एब्सोल्युटली राइट 8 और 8+4 दैट इज 12। बट ऑब्वियस है वन एड इधर, वन एड इधर, सो इट विल बिकम 8, 9, 3 सो दिस इज अवर क्वेश्चन एंड दिस इज अवर रिमाइंडर। देखिए स्टूडेंट्स कितने आसान तरीके से हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया और कहीं पर भी हमने टेबल यूज नहीं किया है। सो दिस इज द टेक्निक, फास्टेस्ट डिविजन बाय 9। चलो ठीक है, तो हम एक एक क्वेश्चन के आंसर लिख लेते हैं। हमारा फर्स्ट का आंसर था 3, 2 सेकेंड का आंसर क्या है, सेकेंड का आंसर है 8 और 4 राइट। ये कितना है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर थर्ड का ये है 28 और रिमाइंडर कितना है 4 ओके राइट। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं ये इसका ये ना ये राइट। फोर्थ का आंसर है 88 और रिमाइंडर है 5 वेरी गुड। ओके फिफ्थ हमने यहाँ पे सॉल्व किया, इसका आंसर है 1, 4, 7, 2, 6 रिमाइंडर आया है 8 वेरी गुड। देखो ये रिमाइंडर है ओके चलो ठीक है। सिक्स नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या है, 89 और रिमाइंडर कितना दिया, रिमाइंडर दिया है 3। मैं उम्मीद करता हूं कि होमवर्क के तौर पे मैंने आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ओके, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको ये ट्रिक समझ में आई या नहीं आई। ओके, अगर आपको ये चैनल ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ में आप इनको बताइए कि कादंबरी ट्यूटोरियल्स इस तरह से आपके साथ में कुछ अच्छा कंटेंट शेयर कर रहा है। थैंक यू सो मच एंड विश ऑल द बेस्ट।